Hello guys, this is Elite Peters and today we're gonna talk about why India has a strong neck. Weird topic, no? पर आपको आगे समझ में आ जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है. 2004 में US पॉलिटिकल रिसर्चर्स ने चाइना के ग्रोइंग मिलिट्री और कमर्शियल लॉजिस्टिकल नेटवर्क को एक नाम दिया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जब ये अपने बहुत ही शुरुआती रूप में था. ये था तो एक हाइपोथेसिस ही, मतलब एक अनुमान ही, लेकिन कुछ ही सालों में चाइनीज इंटेंशन साफ हो गए थे जब चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया इन 2013. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नियरली 1/3 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड और 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन को टच करने वाला था. दिस इज अ वेरी बिग नंबर जो लैंड रूट्स के थ्रू चाइना को सेंट्रल एशिया और यूरोप से जोड़ता और सी लिंक्स के थ्रू अफ्रीका से. लेकिन ये इसका कमर्शियल गोल है. जो स्ट्रेटेजिक गोल है वो इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेंस का है. पर वो क्यों? इंडियन ओशन रीजन ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को पीछे छोड़ रखा है ट्रेड ग्रोथ में सिंस ईयर 2000. इंडियन ओशन रीजन में ट्रेड ऑलमोस्ट 10% से ग्रो हो रहा है हर साल. अकॉर्डिंग टू अ थिंक टैंक नेम LKI, इंडियन ओशन रीजन दुनिया की GDP का 20% होस्ट करेगा बाय 2025. दुनिया का 40% ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन, मतलब समुद्र के अंदर से निकाले जाने वाला ऑयल, इंडियन ओशन से निकाला जाता है और दुनिया का 2/3 ऑयल इसी रीजन से पास होता है. ये IOR ही दुनिया की हाफ ऑफ कोल डिमांड को कैटर करता है. रिसोर्सेज की बात की जाए तो इंडियन ओशन 3 तरफ से जमीन से घिरा हुआ है. यहाँ का पानी मोस्टली वार्म है, इसलिए एक डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम बनाता है जिसमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फिशेस भी मिलती हैं. और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ग्लोबल फिश मार्केट अभी $223 बिलियन से ज़्यादा का है. आप खुद ही सोचिए कि कोई क्यों नहीं डोमिनेट करना चाहेगा इस रीजन को, जिससे वो अपने देश की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकता है. इकोनॉमिक डोमिनेंस ही असली डोमिनेंस है जो इन द एंड आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को फ्यूल करती है. बट इंडिया के रहते ये काम चाइनीज के लिए इम्पॉसिबल है. वो कैसे, आइए समझते हैं. चाइनीज का BRI प्रोजेक्ट एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्रिएट करता है इंडिया के चारों तरफ, जिसका इशारा है चोकिंग इंडिया अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिकल बेनिफिट. ये प्रोजेक्ट मिलिटरीली चाइनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जिबूती में चाइनीज नेवल बेस से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक, म्यांमार के क्याकपूस स्पेशल इकोनॉमिक जोन से लेकर श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट तक, चाइनीज मानो एक ट्रैप बना रहे हैं इंडिया के लिए. जिबूती से चाइनीज को एक्सेस मिलता है बब अल मंदब स्ट्रेट का, जिससे उनके पास एक लेवरेज क्रिएट होता है अगेंस्ट द सी ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम सुएज कैनाल, जो अप वेस्ट है बब अल मंदब से. इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है जो यूरोप को एशिया से कनेक्ट करती है. इन सारी जगह पे जहाँ जहाँ चाइनीज इन्फ्लुएंस है और चाइनीज ने अपने स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं, वहाँ आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, करप्ट गवर्नमेंट्स विच लीड्स टू कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी. पर क्या ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हाइपोथेसिस सच में दम रखता है? अभी अगर बर्ड आई व्यू से देखा जाए तो चाइनीज ने अच्छी पोजिशनिंग और प्रेजेंस बना के रखी है सारी BRI से एसोसिएटेड कंट्रीज में. पर इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप फेयर रेसिप्रोसिटी से ट्रेड और स्ट्रेटेजिक रिलेशन नहीं बनाएंगे तो ये रिलेशन लॉन्ग टर्म नहीं रहते. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूक्रेन. यूक्रेन और वेस्ट इस टॉपिक पे एक क्लासिक केस स्टडी है. जब आपकी कंट्री करप्शन के कारण कॉम्प्रोमाइज होती है तो आपके पास कोई लेवरेज नहीं रहता उस रिलेशनशिप का जो आपकी किसी सुपर पावर के साथ है, अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर एनिमी. चाइनीज का ये एंडेवर को काउंटर करने के लिए इंडिया ने अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज में मेजर चेंजेस किए. और जैसे कि चाइनीज की स्ट्रेटेजी स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहलाई, वैसे ही इंडिया की स्ट्रेटेजी नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहलाती है. और यहाँ से आपको आंसर मिलेगा कि क्यों इंडिया की नेक काफी मजबूत है चोक करने के लिए. जहाँ चाइना म्यांमार और श्रीलंका को एक्सप्लॉइट कर रहा है, वहीं इंडिया आसियान और बाकी कंट्रीज के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, सिंगापुर और इंडियन गवर्नमेंट साइंड अ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट जिसके बाद इंडियन नेवल शिप सिंगापुर के चांगी नेवल एयरबेस पर रिफ्यूल और रियाम कर पाएंगे. चांगी नेवल बेस सिंगापुरियन स्ट्रेट में पड़ता है जो गेटवे है स्ट्रेट ऑफ मलक्का का फ्रॉम द साउथ चाइना सी. यही स्ट्रेट चाइनीज इकोनॉमी की लाइफ लाइन है. इस एग्रीमेंट की दो इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी, अचीवमेंट ऑफ नेवल ऑपरेशनल स्विफ्टनेस और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन. इस एग्रीमेंट से पहले इंडियन नेवी को चांगी नेवल बेस यूज करने के लिए एक लॉन्ग चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना पड़ता था, पहले डिफेंस मिनिस्ट्री से होते हुए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तक और फिर सिंगापुर अथॉरिटी से परमिशन मिलती थी. लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद ऑपरेशनल स्विफ्टनेस काफी बढ़ गई है क्योंकि इंडियन नेवी डायरेक्टली चांगी नेवल बेस पे कॉन्टेक्ट कर सकती है. दूसरी हाईलाइट है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन. इस एक्सेस के रिटर्न में हम सिंगापुर को करप्ट या धमका नहीं रहे, बल्कि कोऑपरेशन के साथ इस स्ट्रेटेजिक रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं. इस पोर्ट एक्सेस के रिटर्न में हमने सिंगापुरियन वेसल्स को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने का वादा किया और इसके बदले हमारे शिप्स चांगी नेवल बेस पर रिफ्यूल और रियाम्ड हो पाएंगे. ध्यान दीजिए इन दोनों शब्दों पर, रिफ्यूल और रियाम्ड. ऐसा ही एक सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट इंडोनेशिया के साथ साइन हुआ.
इन 2018, जिसके बाद इंडिया को इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट का मिलिट्री और इकोनॉमिक एक्सेस मिल गया, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पोर्ट जो इंडियन ओशन की तरफ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का का गेटवे है। इंडिया इफेक्टिवली दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज और चाइनीज इकोनॉमी की लाइफलाइन के गेट को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आसियान कंट्रीज में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर साबित हुई इंडिया और फिलीपींस की ब्रह्मोस डील। ये डील इंडिया के डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट थी ही, लेकिन ये डील इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी एक बड़ा माइलस्टोन साबित हुई। फिलीपींस भी हमारी तरह चाइनीज से अपनी टेरिटरी बचाने के लिए लड़ रहा है सिंस 1990s। ब्रह्मोस ने फिलिपिनो कोस्टल डिफेंस और डिनायल को एक मेजर बूस्ट दिया, जिसका रिजल्ट देख के और भी आसियान कंट्रीज जो चाइना से परेशान है वो इंडिया को अप्रोच कर रही हैं फॉर ब्रह्मोस। साउथ एशियन नेशंस को या तो चाइनीज नेवी या फिर चाइनीज मैरिटाइम मिलिशिया कंटिन्यूस हरास कर रहा है। इंडिया ऑल्सो साइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट विद जापान इन सेप्टेम्बर 2020, जिसका नाम है एक्विजिशन और क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, जिसके अंडर इंडियन और जापानीज मिलिट्री सप्लाईज और सर्विसेज एक्सचेंज कर सकती हैं। मैंने इसको इंटरेस्टिंग इसलिए कहा क्योंकि इसका पर्पस बताया गया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, जो कि एक बहुत ही नॉन मिलिट्री टर्म साउंड करता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि ये साइन हुआ है एक दूसरे की मिलिट्री बेसिस यूज करने के लिए। ऐसा ही एक एग्रीमेंट हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया इन जून 2020। ये दोनों एग्रीमेंट्स LSE स्टैंड ऑफ के टाइम ही साइन हुए, और यही वो सिग्निफिकेंट पुश था इंडिया का क्वाड की तरफ, जिसकी बात मैंने मेरे पिछले वीडियो में की थी। ये तो हुई ईस्ट की बात, अब बात करते हैं वेस्ट की। इंडिया चाइनीज नेवल बेस इन जिबूती और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए ईरान में छाबार पोर्ट डेवलप कर रहा है, लेकिन ओमान में इंडिया का स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट देखने लायक है, जो कि कहलाती है रस अलहद। यहाँ पे इंडिया ने एक लिसनिंग पोस्ट एस्टेब्लिश की थी आफ्टर इंडिया एंड ओमान साइंड अ डिफेंस एग्रीमेंट इन 2008। ये लिसनिंग पोस्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से 400 किलोमीटर दूर है, और ऐसा कहा जाता है कि ये लिसनिंग पोस्ट पाकिस्तानी नेवल कम्युनिकेशन को सुन सकती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट है ऑफ इंडियन प्रेजेंस इन गल्फ रीजन। इंडियन वॉरशिप्स को ओमान के दक्कम पोर्ट का भी एक्सेस है, जो हमें रीच देता है पर्शियन गल्फ, पूरे मैरिटाइम ट्रैफिक की जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से पास होता है। ओमान से थोड़ा नीचे साउथ की तरफ आएंगे तो इंडिया की एक लिसनिंग पोस्ट मेडागास्कर में भी है, जो इंडिया को हेल्प करती है एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मोजाम्बिक चैनल में नजर रखने के लिए, जहां सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चाइनीज स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, और चाइनीज काफी हाई होप्स लगाए हुए हैं ईस्ट अफ्रीका से। इसी रीजन में इंडिया सिंस 2015 से सेशल्स के अजम्पशन आइलैंड पे एक मिलिट्री बेस बनाने का प्लान कर रहा है, जिसका मोटिव था साउथ इंडियन ओशन में इंडियन शिप्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करना और किसी भी हॉस्टिलिटी से निपटने के लिए क्विक रिएक्शन फोर्स को डिप्लॉय करना। क्योंकि सेशल्स जो कि एक आर्किपेलेगो कंट्री है, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना देश, वो दुनिया की सबसे हेविली पायरेटेड इन्फेस्टेड एरियाज के करीब है। इंडिया ने सेशल्स में 20 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, और इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे सेशल्स में इंडिया के हाई कमिश्नर फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग, इंडियन मिलिट्री बेस की डील को वेवल रामकालवान जो कि उस टाइम हेड ऑफ अपोजिशन थे उन्होंने काफी अपोज किया। और दिक्कत वाली बात यह है कि सेशल्स में 2020 में गवर्नमेंट चेंज हुई और अब वही वेवल रामकलवान सेशल के प्रेसिडेंट हैं। दिस शोज द ब्रूटल नेचर ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जहां आप कितना भी अच्छा काम करें आपको कभी कभी हारना भी पड़ता है। श्रीलंका में चाइनीज शिप की डॉकिंग के साथ भी यही माना जाता है, जिसका डिटेल्ड वीडियो आई बटन में आ रहा है, उसे जरूर देखिएगा। ये जब हुआ जब इंडिया ने श्रीलंका को उसके सबसे टफ टाइम में बहुत मदद की। हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका ने चाइनीज को लीज पे दिया है, ये सबको पता है, पर क्या आपको ये पता है कि श्रीलंका के मताला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंडिया ने 40 साल के लिए लीज पे लिया है इन 2017। ये एयरपोर्ट हम्बनटोटा पोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर है, जबकि एयरपोर्ट पे कोई ज्यादा आता जाता भी नहीं है। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज है टू कन्वर्ट दिस एयरपोर्ट इनटू अ ड्रोन बेस और नजर रखे चाइनीज एक्टिविटी ऑन हम्बनटोटा पोर्ट। इट इज ऑलवेज द गेम ऑफ काउंटर बैलेंस, और इंडिया ने बहुत जल्दी बहुत तेज पेस में इस काउंटर बैलेंस को अचीव करने की तरफ काम किया है। मालदीव्स के नाम सुन के लोगों को वेकेशंस याद आती है, लेकिन मालदीव्स की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को अपग्रेड करने के लिए इंडिया बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और अभी रिसेंटली अपार्ट फ्रॉम इम्प्रूविंग एंड ट्रेनिंग देयर लॉ एनफोर्समेंट कैपेबिलिटीज, इंडिया ने 10 कोस्टल रडार्स मालदीव्स को हैंड ओवर किए इन मार्च 2022। जब इन सारे एस्टेब्लिशमेंट्स के डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा एक नेकलेस जैसा शेप, जो बनता है इंडियाज नेकलेस ऑफ डायमंड इन द रिस्पॉन्स ऑफ चाइनीज स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स। ऐसा कहा जाता है कि ये नेकलेस अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या स्टेबल नहीं है, लेकिन इंडिया को एक केक वॉक भी नहीं बनने देता।
एट लास्ट ये जियोपॉलिटिकल गेम्स लॉन्ग टर्म होते हैं और हर कंट्री की जियोपॉलिटिकल एम्बिशन को बैक करती है एक रोबस्ट और वेल थॉट स्ट्रेटजी। इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के लिए काफी रिसर्च लगी, काफी कॉम्प्लिकेटेड जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, न्यूज आर्टिकल्स, मीडिया ब्रीफिंग्स को फिल्टर आउट करके आपको एक असेसमेंट प्रेजेंट किया जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर हाँ तो प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब एलीट ट्रेडर्स। आई विल मीट यू सून विद इन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन एलीट ट्रेडर्स आउट। नमस्कार। वी ऑल हैव मॉर्न्ड फॉर द सोल्जर्स दिस नेशन हैज लॉस्ट ईदर इन कॉम्बैट विद द एनिमी और इन कोवर्ड अटैक्स लाइक पुलवामा। द आर्म्ड फोर्सेज सपोर्ट्स द फैमिलीज ऑफ द ब्रीव बट दे टू हैव देयर लिमिटेशंस। We at Heroes in Need are trying to help Fauji families who need help through crowdfunding. Our campaigns are end-to-end verified to avoid any type of misunderstanding and keep full accountability. Heroes in Need is supporting paratrooper Ankalu Ram, who attained Veer Gati in Jammu and Kashmir in 1995. He was the sole bread earner, but the family managed so far. We are seeking help for his family, including his wife, his son Praful, who is currently unemployed, and an unmarried daughter named Gayatri. Please donate anything you can. Even the smallest support will count, and you will be notified of every progress of the campaign through WhatsApp. We again want to emphasize on the fact that the campaign is end-to-end verified. Please help us to help a family of a hero. Thank you for the support. Jai Hind.